तो जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह फिर से आपके लिए एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ लेके आ गया हूँ। आखिर आपके एक्सपेलर में क्या कुछ दोस्तों प्रॉब्लम होता है जिसके कारण आपको तेल का पेराई करने में लेट लगता है। अभी दोस्तों आजकल जितनी भी मशीनें आ रही हैं 2 या 3 बार में सारा पेराई कर देती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आप सभी में कई सारे लोग होंगे जिनका एक्सपेलर 4 बार 5 बार 6 बार खल्ली डालने के बाद भी पूरा तेल का पेराई नहीं कर पाता था। ऐसा कि क्यों होता है, क्या कुछ प्रॉब्लम होती है, क्या कुछ गड़बड़ी है आपके एक्सपेलर में, इस विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी तो भैया वीडियो को लाइक करें, चैनल भैया सब्सक्राइब करें। ये दोस्तों खल्ली है, आप सभी जानते होंगे। यहाँ पर देखिए आप, अगर तेल का पेराई आपका दोस्तों पूरा हो गया है, अगर आपको पता करना है तो खल्ली को हल्का सा तोड़ के देखिए। अगर खल्ली हार्ड लगे, अगर खली दोस्तों लिपलिप अगर लगे हल्का नमी टाइप के, तो उसमें तेल है। यहाँ पे दोस्तों इसमें पूरा तेल मैंने निचोड़ कर गाड़ दिया है, ठीक है। इसमें हल्का सा भी 1% भी तेल नहीं बचा है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों भैया ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा बार पिराई करनी पड़ती है। सबसे पहला दोस्तों कि आपको उल्टा वर्म तो 1 या 2 जरूर ही भैया, जी हाँ जरूर ही सेट करना है। वर्म दोस्तों ये होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे इसको वर्म बोलते हैं। उल्टा होने के कारण होता यूँ है दोस्तों, आपको उल्टा वर्म यहाँ पे लगाना पड़ता है। यहाँ पे ये जो लास्ट वाला वर्म होता है ना दोस्तों, लास्ट वर्म के बाद आपको एक वर्म लगाना है। होगा क्यों, क्योंकि यहाँ से सीधा वर्म होता है। यहाँ से मान लीजिए वर्म चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब यहाँ पर एक उल्टा होगा दोस्तों, तो यहाँ से मान लीजिए सरसों को अगर वो पुश कर रहा है, अगर इधर ठेल रहा है, तो आप समझिए कि एक उल्टा वर्म जो होता है ना उसे चापता है, उसे सरसों को इधर लेकता है, एक इधर लेकता है, एक इधर लेकता है। तो जब इधर और इधर दोनों साइड से सरसों चपाता है तो तेल ज़्यादा निकलता है और समय कम लगता है। मान लीजिए अगर सीधा वर्म है तो यहाँ से चापते हुए यहाँ पर निकल जाएगा, यहाँ पर चापते हुए यहाँ पर निकल जाएगा। अगर एक उल्टा है, 1 या 2 अगर यहाँ पर होगा तो सरसों को उल्टा चापता है, उल्टा जब चापता है तो तेल जल्दी निकल जाता है। आपको उतना बार डालने का जरूरत नहीं है। सीधा वर्म क्या होता है कि डालते जाइए निकलते जाएगा खल्ली यहाँ से, डालते जाइए निकलते जाएगा, डालते जाइए निकलते जाएगा। उल्टा वर्म होता है तो एक चापता है, उल्टा उल्टा चापता है, जिसकी मदद से आपका तेल का पेराई ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और कई मशीनों में दोस्तों वर्म भी घिस गया होता है जिसके कारण समय लगता है। और दोस्तों वर्म सेटिंग सही से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वर्म सेटिंग सही से आप करें, क्योंकि अगर सही से वर्म सेटिंग नहीं होगा तो भैया तेल नहीं आएगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। आप जैसा कि दोस्तों देख पा रहे होंगे, आप अगर हमसे दोस्तों बात करना चाहते हैं आटा चक्की या तेल में रिलेटेड, तो आप, मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वहाँ पे हमारी बात होगी, कॉल पे भी होगी। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो आपको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहला बात तो आपको वर्म चेक करना है, दूसरा मशीन का क्वालिटी कैसा है, किस कंपनी का मशीन लिया है। आजकल दोस्तों बहुत ही 2 नंबर का कंपनी आ गया है, अगर आप उन कंपनी में भी लेके अगर फंसते भैया तो वहाँ से भी आपको नुकसान सहना पड़ेगा। ये दोस्तों 110% तय। तो आप चेक करके ले मशीन, कोई भी कंपनी वाला मशीन ले, जो कि 50 साल 100 साल से मशीन मार्केट में चल रही है वही मशीन ले, ठीक है दोस्तों। और वह उनका सेटिंग सही से करें और पिराई ढंग से करें। अगर आपको पिराई करना नहीं आता है तो भैया आप उल्टा वर्म 1 या 4 भी लगा दोगे फिर भी आप पिराई कर नहीं पाओगे, ये दोस्तों मेरा गारंटी है। तो दोस्तों ये कुछ प्रॉब्लम होती है, बाकी कोई समस्या नहीं है। अगर हाथ में आपका दोस्तों क्या बोलते हैं उसका हाथ में हुनर है तो भैया आप 3 बार में पिराई आराम से करके निकाल देंगे, ये मेरी गारंटी है। आशा करूँगा वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं विवेक सिंह आपके लिए वीडियो लाया था। धन्यवाद।